अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम बना रहे हैं चोको फिट डोनट्स। चोको फिट मतलब चॉकलेट। इसके लिए हमको चाहिए हाफ कप ल्यूक वार्म वाटर, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टू टीस्पून शुगर। अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए टिल इट डिसॉल्व। सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विथ योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स। अब इसमें ऐड कीजिए 2 टीस्पून ड्राई ईस्ट। हम ये एगलेस बना रहे हैं, एगलेस डोनट्स। 2 टीस्पून ड्राई ईस्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि कोई लम्स ना रह जाए। कवर करके आप एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए ढक के साइड में रखिए। अब नेक्स्ट अनदर बाउल में 2 कप केक फ्लोर यानी मैदा, 2 कप। अब इसमें जस्ट 2 पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ऐड सॉल्ट। अब इसमें देखिए ये कितना अच्छे से एक्टिवेट हो गया है हमारा ईस्ट। आपका भी ऐसे ही होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो डोनट्स अच्छे से नहीं बनेंगे। अगर आपका ईस्ट पुराना है या लो क्वालिटी का है तो प्लीज़ ऐसे मत बनाइएगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। अब अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि पानी थोड़ा कम है तो आप ल्यूक वार्म वाटर ऐड करना, नॉट नॉर्मल वाटर या रूम टेम्परेचर पे हो, ऐसा नहीं। जस्ट ल्यूक वार्म वाटर ही ऐड करना है। अब अच्छे से मिक्स कीजिए। मैं अब स्लैब यूज़ कर रही हूँ। सैंडी टाइप हो गया है हमारा डो या अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं अब स्लैब यूज़ करूँगी। आप भी स्लैब ही यूज़ कीजिए या एनीथिंग आपके पास जो है वैसा। अच्छे से अब इसकी अच्छे से धुलाई कीजिए, कोई कसर मत छोड़िए। अच्छे से इसकी धुलाई कीजिए, जितना इसकी धुलाई करोगे उतना अच्छा बन के निकलेंगे डोनट्स। अब इसमें एटलीस्ट 1 या 2 टीस्पून अनसॉल्टेड बटर या सॉल्टेड एनीथिंग व्हाट यू हैव ऐड करके अच्छे से इसको एटलीस्ट 10 मिनट्स तो इसकी धुलाई करना ही करना है। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा है तो बहुत अच्छी बात है, इस पे निकाल दीजिए आपके 2 काम हो जाएंगे, गुस्सा भी निकल जाएगा और आटा भी अच्छे से गूना जाएगा। ओके तो अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। जैसा जैसा मिक्स करेंगे आपका डो अच्छे से इकट्ठा हो चुका है, देखिए। यस, और सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट। जितना अच्छा गूनेंगे उतना सॉफ्ट आएगा। इनर फोल्ड करके अब बाउल में ऑयल अप्लाई करके उसमें रख दीजिए। यस, क्लिंग शीट कवर करके गरम जगह एटलीस्ट 2 आवर्स तो रखना ही रखना है, क्योंकि ये रेनी सीज़न है तो टाइम लगेगा। ओके, तो अब इसको रख दीजिए ढक के एटलीस्ट 2 आवर्स। अब देखिए आफ्टर 2 आवर्स कितना अच्छे से हमारा डो परफेक्ट बन चुका है। अब इसको निकालिए। अब इसकी धुलाई करना ज़रूरी नहीं है, हो चुकी इसकी धुलाई पहले ही। अब इसको जस्ट सॉफ्टली अच्छे, मतलब सॉफ्टली गूनिए, बस कोई जोर नहीं, बस सॉफ्टली। या आटा यूज़ कीजिए या ऑयल, एनीथिंग आप यूज़ कर सकते हो इसको फोल्ड करने में। अब इसको रेक्टेंगल शेप में बेलना चाहिए, या रेक्टेंगल शेप में बेलकर अब इसमें वी कट दीजिएगा।
अप डाउन अप डाउन अप डाउन यस। अब इसमें बीच में कट दीजिए फोल्डिंग के लिए, जस्ट अ सिंपल कट। यस, ये चॉकलेट डोनट है तो चॉकलेट अब ऐड करेंगे हम। या चॉकलेट क्यूब रख के जस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट करना है बस, दूसरा कुछ नहीं। एकदम सिंपल ईजी है, एकदम ईजीली बन जाएगा, कुछ नहीं, बस चॉकलेट रखना, फोल्ड करना। और एक बार देखिए आप, चॉकलेट रखो, नेक्स्ट फोल्ड, वेरी इजी। ऐसे ही सब बना लीजिए, सब बना के एक ट्रे ग्रीस करके उसमें प्लेस कीजिए। मेरा तो छोटा हो गया है ट्रे, नो प्रॉब्लम, मैं तीन और बाद में बना लूँगी, ये तीन अब बना रही हूँ। तो अब प्लेस करके, अब इसमें अगर आपको ज़्यादा गोल्डन कलर चाहिए तो एग वॉश कीजिए वाइट से, नहीं तो दिस इज़ एगलेस है तो दूध से वॉश दीजिए इसका। मिल्क रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए मिल्क। अब मिल्क वॉश करके अब इसको जस्ट एक 10 मिनट्स या 10 मिनट्स के लिए कवर करके टवल से 10 मिनट्स रखिए। और बाजू जो डो है उसको भी आप कवर करके रख लीजिएगा। अब फिर से आप 10 मिनट के बाद फिर से इसको और एक बार मिल्क वॉश कीजिए। अब 200 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन 10 मिनट्स के लिए करके 15 मिनट्स 200 डिग्री पे बेक कीजिए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, माशाल्लाह। अब इसको फिर से ढक के रखिए टिल इट कूल, ठंडा होना चाहिए वो। यस, आफ्टर 10 मिनट्स ठंडा होने के बाद देखिए, इसको कट करके देखिए कि इसमें अंदर चॉकलेट फिलिंग है, जो हम चॉकलेट रखे थे बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। आप जब खाओगे आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा बना है और चॉकलेट कितना अच्छा मेल्ट हो चुका है। ट्राई कीजिए रेसिपी और कमेंट बॉक्स में बोलिए कि कैसा बना है डोनट्स। और शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स फैमिलीज, कीप ऑन सपोर्टिंग। और नेक्स्ट वीडियो क्या, मतलब नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊँ प्लीज़ बोलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।